दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके लिए मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं। शेयर करें, लाइक करें, थैंक यू। वेलकम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लाया हूं एक सनसनीखेज खबर। पाकिस्तानी चोर ने बड़ा कमाल कर दिया, बरतानिया से गाड़ी चोरी करके पाकिस्तान पहुंचा दी। लंदन में गाड़ियां चोरी होकर साइप्रस और केनिया भेजी जाती हैं और वहां से फिर पार्ट्स की सूरत में मुख्तलिफ मालिक में स्मगल की जाती हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि वहां पर फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं और उन फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर गाड़ी यहाँ दूसरे मुल्कों में भेज दी जाती है और यहाँ पर वो कस्टम क्लियरेंस हुकाम उसको चंद पैसों में वेरीफाई नहीं करते हैं, चंद पैसों के एवज उसको छोड़ देते हैं और फिर वो गाड़ी फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए हमारे मुल्क में पहुंच जाती है। इस तरह से एक इजाज़तनामा भी मिल जाता है और नंबर प्लेट्स भी जारी कर दी जाती हैं। तो ये एक प्रोसीजर है जिसके तहत गाड़ियाँ लंदन या यूके या यूरोपियन ममालिक से पाकिस्तान या दूसरे कंट्रीज में भिजवाई जाती हैं। तो इसमें हमारी किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी और हमारी किसी भी पुलिस का कोई किरदार नहीं है, बल्कि सबसे अहम किरदार है जो वहाँ की पुलिस है और वहाँ का जो निज़ाम है वो इतना लूज है, इतना करप्ट है कि वहाँ से बआसानी गाड़ियाँ चोरी होकर मुख्तलिफ ममालिक में चली जाती हैं। तो काफ़ी दिनों से ये वावेला मचा हुआ है कि ये चोर बड़ा चालाक था, लंदन से गाड़ी चोरी करके पाकिस्तान ले आया और किस तरह से पाकिस्तान में चल रही है और जनाब उन्होंने ट्रैकर के ज़रिए ये पता लगवा लिया कि गाड़ी कहाँ खड़ी है। ये गाड़ी इस तरह से 2017 में भी एक गाड़ी पाकिस्तान आई थी और चोरी होकर, जिसको बाद में ट्रैक करके वापस रिपोर्ट किया गया। अभी इस गाड़ी को बरामद कर लिया गया है पाकिस्तान में डिफेंस के एक बंगले से डिफेंस के इसको बरामद कर लिया गया है। इसमें जो लंदन की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने अपना डेटा शेयर किया था पाकिस्तान की FIA से, तो FBR और कस्टम हुकाम की मिलकर एक कार्रवाई की और कार्रवाई करके इस गाड़ी को बरामद कर ली गई। मैं आपको बताता चलूँ, ये गाड़ी है बेंटले नेल्सन और इसकी कीमत है $3,00,000। इसकी कीमत है $3,00,000। तो ये एक महंगी गाड़ी है और इसमें कस्टम के तमाम जो लवाजमात है उनको भी पूरा नहीं किया गया और इसमें सिन हुकूमत की जानिब से, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की जानिब से नंबर प्लेट भी जारी कर दी गई है। इस सिलसिले में पुलिस ने 2-3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और गाड़ी बरामद करके उन्होंने अपनी तहवील में ले ली है। मजीद तहकीकात अभी जारी है, जैसे ही कोई अपडेट मिलती है इंशाल्लाह आपको हम अपडेट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।